आज मेरे साथी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करते हैं, मैं आखिरी बार इनको वार्न करता हूँ, आज के बाद आप अपने इलाके के लिए रिजर्वेशन मांगते हो आप मांग सकते हो, लेकिन जिसको रिजर्वेशन मिली है उसके खिलाफ अगर आपने बात की, मैं आपको हाउस में कहता हूँ आपके लीडरों को हम अपने इलाके में घुसने नहीं अंदर देंगे, और उनका पता लगेगा जो आप यहाँ पे बातें करते हो, आपकी एक बात यहाँ होती है दूसरी बात पुंछ रजौरी में अलग होती है, रात के अंधेरे में क्या बात करते हो दिन के उजाले में क्या बात करते हो, ये हमारे लीडर है जो रात को जो बात कहते हैं वही बात दिन को कहते हैं, और जो बात उसी बात को देखते हुए आज ये जो आवाम यहाँ पे हम सारे बैठे हुए हैं, इसकी वजूहत यही है कि लोगों ने समझ लिया है, आज लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आज को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद समझते हैं उनका उनका आने वाला कल कहाँ पे मुस्तकबिल है और कैसे उनकी जो है तरीके कर। मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कायदे सानी फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑन स्पॉट भर्ती का एक प्रोग्राम रखा था, जिस प्रोग्राम से दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बॉर्डर इलाके में मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फख्र से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मिलिटेंसी को कंट्रोल किया तो वह पूंछ रजौरी के नौजवानों ने किया, जो पुलिस में जाके जो फोर्सेस में जाके आर्मी में जाके जिन्होंने अपनी जानें दी और आज मिलिटेंसी को कंट्रोल किया, आज जरूरत है कि पूंछ रजौरी के अंदर खसूसी जो है भर्ती होनी चाहिए, वहां के लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि उनको बिलासपुर से वहां पर मिले। हमारी आरईटी की स्कीम, जिस स्कीम के तहत वो स्कूल जो कभी वहां पे चल नहीं सका वहां के नौजवान बच्चे वहां पे लगे, उस आरईटी स्कीम को मेरी गुजारिश है दोबारा से एक्टिवेट किया जाए, और आज एक मुबारक की बात दूंगा मैं खास करके कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद दूंगा, जिस आरईटी स्कूल को आपने शुरू किया, जिस स्कूल में आपने 12वीं पास बच्चे को लगाया, आज उस गांव के अंदर डबल पीएचडी एमए किए हुए बच्चे उस स्कूल की वजह से वहां बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वहां पे वो स्कूल खुले और दोबारा से बच्चे वहां पे जो है अपने बच्चों को पढ़ा सके आगे जा सके। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज पुंछ रजौरी के हमारे नौजवान बच्चे, वो आर्मी हो वो सर्विसेज हो, वो हर जगह अपने हैं, और मुझे फख्र से कहता हूँ कि हमारा जो भी नौजवान जिस जगह पे खड़ा है उसने वहां पे एक मिसाल कायम की है, हमारे ऑफिसरों ने एक मिसाल कायम की है। ऑनरेबल स्पीकर साहब आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, खास करके अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, ये भी काम करना चाहते हैं, इनको बहुत सी मुश्किल है, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत जिसकी क्यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं, आप गरीबों का काम कीजिए, पूरी की पूरी हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन आपको गरीबों का काम करना पड़ेगा, और वो लोग जो पंजाब से दिल्ली से यूपी पे आके यहाँ पे जो है अपना जो लूट घसूट कर रहे हैं यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, पीएचई में इतने इतने टेंडर हो चुके हैं वो सारे के सारे टेंडर डिफंग हो गए, जितने भी वो काम है उनको कंप्लीट किया जाए। मैं आखिर में स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया यहाँ पे बोलने का, शुक्रिया।